नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। बयागपुर से तिरंगा झंडा यात्रा को लेकर बयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी ने की बैठक। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा झंडा यात्रा के लिए विधायक बयागपुर पहुंच। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा झंडा यात्रा के लिए विधायक बयागपुर सुभाष त्रिपाठी ने सभी पार्टी संयोजक और बूथ प्रमुख की मीटिंग नवीन कृष्णा पेट्रोल पंप विश्वेश्वरगंज पर आयोजित की, जिसमें विधायक सुभाष त्रिपाठी ने अपने संबोधन में पार्टी संयोजक एवं मंडल पदाधिकारी तथा बूथ प्रमुख को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को एहसास नहीं हो पा रहा था कि हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन उसका लाभ हम सभी को मिला है। इस आजादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए हम लोग आभारी हैं। आज कश्मीर की समस्या की समाप्ति हुई है, धारा 370 की समाप्ति भी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता रात भर सोचते हैं कि सुबह सरकार के खिलाफ कौन सा बयान देना है। आतंकवादी घटनाएं होती हैं, मगर सपा का कोई भी नेता आलोचना नहीं करता है। रघुपति राघव राजा राम के गायन के साथ तिरंगा यात्रा निकलनी है, उसके लिए तैयारी पूरी करनी है। 9 से 11 अगस्त तक हर बूथ स्तर पर प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 11 से 13 और 13 से 15 अगस्त तक संयोजक स्तर से बूथ स्तर तक तिरंगे झंडे को पहुंचाया जाएगा। 24 घंटे तक सभी लोग झंडा फहरा सकते हैं। माननीय विधायक जी ने बताया कि गांवों तक पेड़ पहुंचाए गए हैं लगाने के लिए। उसी स्थान पर पेड़ लगाए जाए जहां उसकी सुरक्षा हो सके। इस बैठक में धनुही मंडल अध्यक्ष राजकुमार शुक्ला, पयागपुर मंडल अध्यक्ष राम गोपाल शुक्ला, उप जिला अध्यक्ष बहराइच भाजपा उमाशंकर तिवारी, विधायक प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी, सचिदानंद पाठक, बलराम शुक्ला आदि संभ्रांत लोग शामिल रहे। लाइव टीवी समाचार पर बहराइच से जिला संवाददाता शीतल तिवारी की खास रिपोर्ट। सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी।